सो इट्स बीन अ वाइल और काफ़ी टाइम से मैं आपको नहीं दिखाऊं। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। एक तो मेरी बीएड चली गई, दूसरा मेरे एग्ज़ाम आ गए और अब प्रैक्टिकल चल रहे हैं। तो खैर, इसके बीच हमने क्या मिस कर दिया? हमारे इन्फिनिटी 210 का रिव्यू। हाँ, मैंने बोला था कि 2 दिन में रिव्यू आ जाएगा, मैं तैयार कर रहा हूँ, बट मैंने जैसे आपको रीज़न बताया, उन रीज़न की वजह से ये रिव्यू काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है। और आज इस वीडियो में हम फाइनली इसका रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे इसके बेस टेस्ट की, इसकी बिल्ड क्वालिटी की और इसकी परफॉर्मेंस की, और फाइनल कंक्लूजन में हम बात करेंगे कि क्या आपको ये स्पीकर्स लेने चाहिए या फिर मज़ा नहीं आया भैया। सो डायरेक्टली इस वीडियो में चलते हैं, सो लेट्स चेक इट आउट। सो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, और इन स्पीकर्स की बिल्ड क्वालिटी ज़बरदस्त है। दोनों ही जो हमारे स्पीकर्स है प्लास्टिक बिल्ड के अंदर है, जिसके अंदर सामने की तरफ जो ग्रिल है वो मेटल की है, साथ ही साथ जो हमारा वूफर यूनिट है उसकी बिल्ड हमारी वुडन की है, और उसके ऊपर एक मेटल ग्रिल की जो ऊपर से प्रोटेक्शन है वो दी गई है, और ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। बिल्ड के नंबर में जैसे कि मैंने बताया, इन्फिनिटी एक JBL की सब ब्रांड है, तो JBL वाली हमें बढ़िया बिल्ड क्वालिटी इन्फिनिटी के स्पीकर से भी देखने को मिल जाती है। तो बात कर लेते हैं इसे कंट्रोल कैसे करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपको इसका बेसिक ओवरव्यू चाहिए कि इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है या फिर बॉक्स के अंदर आपको क्या 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 देखने को मिलता है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट अनबॉक्सिंग की वीडियो बना रखी है, आप उसे जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि एक एक एस्पेक्ट को मैं हर वीडियो में कवर करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके अंदर हम रिव्यू की बात कर रहे हैं और उसी पे स्टिक करते हैं। तो इसके अंदर हमें 3 मोड्स देखने को मिलते हैं, ब्लूटूथ मोड, ऑक्स मोड और USB मोड। तो ब्लूटूथ में अलग थोड़ा सा साउंड आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, ऑक्स में अलग, क्योंकि जो पावर आउटपुट होता है थ्रू ब्लूटूथ और ऑक्स अलग अलग रहता है, तो उस चीज़ को हम टेस्ट करेंगे। और डायरेक्टली अब हम चलते हैं हमारे बेस टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर हम टेस्ट करेंगे इसका म्यूज़िक कैसा है, और मैं ट्राई करूँगा नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक के साथ या फिर थोड़ा बहुत पंजाबी टच के साथ, पंजाबी म्यूज़िक के साथ आपको दिखाने की कि इन स्पीकर्स का बेस या इन स्पीकर्स का साउंड आउटपुट कैसा है और मुझे ये कैसा लगा। एक चीज़ और नोट करने वाली है कि आपको साउंड आउटपुट एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप जो साउंड आउटपुट सुनोगे वो रिकॉर्ड किसी माइक से हुआ है। आप सुनोगे या तो फ़ोन के स्पीकर पे, जो कि छोटे छोटे स्पीकर होते हैं, या फिर अपने पास अपने PC पे कोई पहले से स्पीकर्स लगा रखे हैं उन पे सुनोगे, तो आपको उतना परफेक्ट आइडिया नहीं लगेगा साउंड का कि कैसा साउंड है। मैं आपको कंक्लूजन में बताऊंगा कि इसका साउंड कैसा है पूरा, क्योंकि मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो उसी को आप फाइनल वर्डिक्ट मानिएगा। जबकि बेस टेस्ट में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसका बेस कैसा है या फिर साउंड आउटपुट आपको कैसा देखने को मिल जाता है, या फिर आवाज़ फटती वगैरह तो नहीं है। सो डायरेक्टली अब चलते हैं बेस टेस्ट के अंदर। बेस टेस्ट के लिए सबसे पहले तो ये हमने स्पीकर्स रखे बेड पर, काफ़ी खुली जगह है, और इन्हें मैं अभी फॉर द फर्स्ट टेस्ट ब्लूटूथ से कनेक्ट कर चलाऊंगा। देख सकते हो मेरा फ़ोन है, फ़ोन में हम इन्फिनिटी हार्ड रॉक 210 से कनेक्ट कर लेते हैं, और ये कनेक्टेड की आवाज़ आ गई है। इसके बाद हम YouTube से सॉन्ग्स चलाएंगे जो कि नो कॉपीराइट म्यूजिक होगा। जो मैं इसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं बोया M1 माइक से, जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है कैमरा से, तो जैसे आप देख सकते हो इस माइक से ऑडियो रिकॉर्ड की जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कनेक्ट हो गया है फ़ोन, और फ़ोन कनेक्ट होने के बाद हम यहाँ पर इस म्यूज़िक को प्ले करते हैं। Then you looked at me when I fell down. You picked me up above the ground. And the moment then. अब ये तो म्यूजिक था, अब थोड़ा हम म्यूजिक ट्राई करेंगे जो कि बेस बूस्टर्स टाइप होगा, जिसके अंदर हमें थोड़ा बेस का ज्यादा आइडिया लगेगा। अब हम सर्च करते हैं, तेरे
ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਸਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜੂ ਮਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਤੁਸੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ अब ये हो गया हमारा बेस बूस्टेड एक ओपन बैकग्राउंड में, मतलब ओपन स्पेस के अंदर। बट एक स्पीकर का क्या होता है, अगर थोड़े कॉम्पैक्ट जगह पे वूफर रखा हो जो इसकी ऑप्टिमम प्लेसमेंट होती है, तो वो बेस ज़्यादा देता है क्योंकि वो कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट को यूज़ करके काफ़ी अच्छा बेस प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब इसे ज़रा फटाफट सेट कर लेते हैं उस कॉर्नर के अंदर और हम देखते हैं कि हमें वहाँ से कैसा बेस देखने को मिलता है इन स्पीकर से, और क्या ये सही में बेस हैवी स्पीकर्स है, और क्या बेस के लिए आपको इन स्पीकर्स को लेना चाहिए। अब ये तो रहा ब्लूटूथ के थ्रू और यूट्यूब पे मैंने सॉन्ग्स चलाए, अब जरा पीसी में कनेक्ट करके डायरेक्टली उसका आउटपुट चेक कर लेते हैं कि ऑक्स के थ्रू हमें क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। सो गाइस, ऑक्स के लिए हमें ये सेपरेट केबल देखने को मिलती है, जिसका मतलब कि ये अगर आप नहीं चाहते कभी जिंदगी में कभी भी आप अगर ऑक्स नहीं यूज करने वाले, तो वो एक्स्ट्रा केबल आपके पीसी के साथ स्पीकर के साथ नहीं लटकी रहेगी और आप आसानी से केवल ब्लूटूथ पे ही अपने स्पीकर को यूज़ कर पाएंगे। और जब आपको ऑक्स की ज़रूरत है कंप्यूटर पीसी स्पीकर्स बनाने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हमें इसके अंदर, जैसे कि मैंने बताया आपको, इसके अंदर हमें रिमोट मिलता है और रिमोट के अंदर हमें तीन ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके अंदर ब्लूटूथ, ऑक्स और यूएसबी का बटन अवेलेबल है। फोकस हो जा। तो इन बटन के अंदर हम ऑक्स वाले बटन को दबाएंगे और ऑक्स वाले मोड पर स्विच हो जाएंगे ताकि हमारी ऑक्स कनेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर आप ब्लूटूथ वाले मोड पर रहोगे तो ऑक्स कनेक्ट नहीं होगी। अब म्यूजिक प्ले करते हैं हम। सो इसका जो आउटपुट है 100 वॉट, ये पीक पावर दिया हुआ है, बट हमें 100 वॉट पीक पावर नहीं देखने को मिलती, क्योंकि जो हमें एवरेज आउटपुट देखने को मिलता है वो एवरेज वैल्यू होती है। और अगर आप इन दोनों ही वैल्यूज में कंफ्यूज हो कि ये क्या है, तो मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि एक स्पीकर की स्पेसिफिकेशन को देख के हम एक स्पीकर को कैसे जज कर सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। तो उसके लिए इस वीडियो को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको पीक वैल्यू और एक एवरेज वैल्यू के अंदर डिफरेंस पता लगेगा। और वापस इस वीडियो पे आ जाइए और हम डायरेक्टली कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। सो बात कर लेते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट की कि इनका आउटपुट कैसा है। तो आउटपुट इनका लाइक आप स्पीकर लेते ही डायरेक्टली स्पीकर लेते ही आप डिसअपॉइंटेड हो जाओगे कि इसका आउटपुट अच्छा नहीं है। मैं भी हो गया था, लेने के बाद मुझे लगा पैसे वेस्ट हो गए, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसके बेस के अंदर, इसकी जो सबवूफर यूनिट है उसके अंदर बेस कंट्रोल नहीं है, जिसकी मदद से आप बेस कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। ये केवल डिजायर्ड वैल्यू पे जो आपका साउंड आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग ही बेस चलेगा। और ये एज जो आप लाइक कंप्यूटर में इसे अटैच करोगे तो एज अ स्टीरियो स्पीकर्स ही इन्हें मानेगा, ना कि 2.1 स्पीकर्स। सेकेंड बात, आप इसे यूज़ करोगे और आप इसे पसंद करने लगोगे। जी हाँ, स्पीकर्स होते हैं लाइक बेस दिखा दिया, साउंड अच्छा नहीं है, साउंड अच्छा है बेस नहीं है, इसके अंदर दोनों है। आपको लाइक फॉर द फर्स्ट इंप्रेशन नहीं लगेगा कि इसका बेस अच्छा है, बट जब इसकी आप इसी प्लेसमेंट साथ ही साथ रेगुलर यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका बेस लाउड भी है, बेस हैवी भी है और बेस क्लियर भी है, जो कि काफ़ी कम स्पीकर्स में होता है। इन स्पीकर्स का साउंड आउटपुट काफ़ी बढ़िया है। मैं इससे पहले क्रिएटिव के 5.1 यूज़ कर रहा था और अब उनको उठा के मैं कूड़े में फेंक के इन्हें लगाने वाला हूँ, क्योंकि इनका मुझे साउंड आउटपुट काफ़ी बढ़िया लगा और ये बहुत ही अमेजिंग स्पीकर्स है। बिल्ड क्वालिटी एक नंबर की, साउंड भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि 4,500 रुपये के स्पीकर्स है और
इस प्राइस सेगमेंट में बहुत सारे और स्पीकर्स भी अवेलेबल है, बट इसमें आपको JBL का भरोसा मिलता है, साथ ही साथ एक काफ़ी अच्छा साउंड आउटपुट जिसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी यही है कि इसके अंदर हमें बेस कंट्रोल का नॉब नहीं देखने को मिलता, जो कि मैक्सिमम ऑफ द स्पीकर्स अपने सबवूफर के अंदर डालते हैं। और ये कौन बड़ा हो सकता है, अगर आप चाहते हो म्यूज़िक सुन रहे हो तो बेस बढ़ा लिया, म्यूज़िक नहीं सुन रहे आप नॉर्मल काम कर रहे हो तो आपने बेस कम कर दिया, तो वो चीज़ आपके लिए एक डिसएडवांटेज वाला फैक्टर हो सकती है। उसके अलावा ये स्पीकर्स काफ़ी फंक्शनैलिटीज से भरे हुए हैं, जैसा कि इसके अंदर हमें रिमोट मिलता है जिसकी मदद से हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, ऑडियो का टाइप कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी लाइट ऑफ या ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ इन स्पीकर्स के सबवूफर के ऊपर ही हमें काफ़ी बटन्स मिल जाते हैं, जैसे कि वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का, ट्रैक आगे पीछे करने का और पावर का बटन। तो ये सारी फंक्शनैलिटी के साथ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑक्स कनेक्टिविटी, साथ ही साथ आप डायरेक्टली USB भी इसके अंदर लगा सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें आपको एक पैकेज के अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है। और ये स्पीकर इस रेट में काफ़ी बढ़िया डील हो जाते हैं अगर आप 4-4.5 हज़ार रुपये में रेट ढूंढ रहे हो। और साथ ही साथ अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट की सेल आने ही वाली है, और उससे पहले बहुत ही अच्छा हुआ कि ये वीडियो कवर होगी। आपको उसके अंदर अगर कोई ऑफर मिलता है जिसके अंदर 4.5 हज़ार से कम के अंदर स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई, और अगर इस वीडियो ने आपके स्पीकर रिसर्च में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करी और आपको थोड़ी भी हेल्प करी इस वीडियो को लेने में, तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और ऐसी बढ़िया टेक वीडियोज आप देख पाए जल्दी जल्दी, और इस बार डिले नहीं होगा, प्रॉमिस पक्का। सो बाय, हैव अ नाइस डे।